होशियार, अब आप जाए सरकार, मुझे डाक बांटनी है। शुक्रिया। वेरी 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 वेरी। माफ करना जी, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। पांच बोरियां लिखो देसी खाद की और तीन बोरियां वलैती खाद की। अच्छा मुनीर साहब, मैं फिर चलता हूँ। हाँ तुम जाओ, तुम्हारी बोरियां पहुंच जाएंगी, जाओ। ठीक है। और 6 गैलन डीजल ट्रैक्टर के लिए। मुंशी जी, लगता है कि मैं मौला हुआ है। पुराने आ गए। आए बेटी आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे मेहमान तो कभी कभार ही गांव में आते हैं, तशरीफ रखे जनाब। यहाँ जाके फ्रिज में से बोतलें लेके आ। जनाब मेरा नाम है जी पीरा दित्ता, मैं राणा साहब का मुंशी हूँ जी। अल्लाह दित्ता तो ठीक है, समझ में आती है कि अल्लाह ने दिया और अल्लाह बसाया भी और अल्लाह जमाया भी, लेकिन ये पीरा दित्ता क्या है? तुम पता नहीं क्या समझ रही हो, इसका मतलब है पीरों की दुआ से या बरकत से। जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक समझे जी, बिल्कुल ठीक समझे। यार आना साहब को तलाक आ रहा है, उनके मेहमान आए हैं। अच्छा जी। पोल्ट्री फार्म गांव से कितना दूर है? कौन सा पोल्ट्री फार्म जी? वही जो बिक रहा है और जिसे देखने के लिए हमें बुलाया है यहाँ। तो छोटे राणा साहब ने आपको इसलिए बुलाया है? आप किस तरह के मुंशी हैं, आपको ये भी नहीं मालूम? जनाब हम तो मुलाजम है ना जी, मालक कुछ बताए या ना बताए ये तो मालकों की मर्जी है ना, हम तो ठहरे मुलाजम। जनाब सीधा घर चाहिए। वो देखे जी छोटे राणा साहब तशरीफ ले आए जी। वालेकुम सलाम। पहले से इतला होती तो टोल टमके के साथ आपका इस्तकबाल करते, ऐसे खास मेहमान को रोज आते हैं। मुंशी जी इनको यहाँ कहाँ बिठाया है, घर लेकर आना था, घर इतला करो, खाने पीने का बंदोबस्त करो। मेरा ख्याल है हमें गलती लगी जी। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आप बड़े राणा साहब आपको पहचानते हैं। मैं उनका खलौता बेटा अफजल हूँ, बड़े राणा साहब एक रोज के लिए सिरगुप्त आ गए हैं। आप रुबीना बीबी है ना और आप सजाद जी? नहीं, मेरा नाम आफताब है, ये मेरी बहन है। असल में हम अफजल से मिलने आए थे, वो मेरा दोस्त है। रास्ते में डाकिये से पता पूछा तो उसने आपके घर का बता दिया, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। अच्छा अच्छा, वो चाचे शरीफे का भतीजा। जी सरकार। और मुंशी। जी सरकार। कुछ अफजल के अब्बे का पता चला? जनाब अय्याश आदमी है, जब पैसे खत्म होंगे वापस आ जाएगा। ठीक है, इनको उनके घर छोड़ आओ और जी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहने दे, उनके घर तक गाड़ी नहीं जाएगी, आपका सामान ये मुलाजम पहुंचा देंगे। शुक्रिया जी, चलेगा अभी। किसी चीज की कमी हो, जगह की तंगी हो, इसको अपना ही डेरा समझे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाओ। मिर्गी का दौरा पड़ गया। मासी बख्ता,
ए मासी बख्ता, साया है। है नहीं, दंदल पड़ गई है बेचारी को, पानी का घूंट पिलाओ होश आ जाएगी। मासी बख्ता, ए मासी बख्ता, क्या हुआ भाई? मियाँ जी कोई दुरूद पढ़ दें, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत हो। जी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ और पढ़े हैं। नेक बख्तो, नमाज पढ़ो तो कुछ असर हो, नमाज तो तुम लोग पढ़ते नहीं। मियाँ जी कहीं उतने लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह मियाँ भी गरीबों से ही क्या नाराज रहे। ला हौल वला कुव्वत, क्या जाहिल लोगों से पाला पड़। फिल्म वाले हैं? अरे रीमा लगती है। नहीं नहीं खुसरे हैं। चुप कर। ये बात वही, ऐसे पढ़ के आई हैं, इनकी गाड़ी हमारे डेरे पे खड़ी है, बाबा अफजाल के डेरे पे छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर है जी, ऐसा भाई बस्तर को देख रहे जी। क्यों, क्या हुआ है? बेहोश हो गई जी। अम्मा जी, अम्मा काबी, गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स और जूस जल्दी से ले जाओ। मैं भी लेके आता हूँ। चल चल मिल जाओ। अल्ले संभाल से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी रानी आई। ये क्या बात, न सलाम न दुआ। सलाम पुपी, सवेर से मेरा दिमाग खा रही है, तुझसे मिलना है तुझसे मिलना है। बैठ तू भी। और नहीं मैं अब चलता हूँ। लतीफ इधर आ। जी क्या तुम हर वक्त गवारों की तरह बोलता रहता है, क्या हो गया तुम्हें? ले, क्या हो गया मुझे, ठीक तो बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। पता नहीं इस लड़के को क्या है। चल मेरी रानी तू ये सलाद बना, मैं बाकी काम कर। चाची वालेकुम सलाम। चाची किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं इतना कुछ तो उठा के लाए हो, पर ये तो बता तेरे मेहमान कहाँ रह गए? मेरे हिसाब के मुताबिक तो चाची अब तक पहुँच जाना चाहिए था, उनको तो घर से निकले में बहुत देर हो चुकी है। कहीं रास्ता ना भूल गए? हाँ मेरा ख्याल है मैं उनको मोबाइल पे फोन करके आता हूँ। चाची अगर सलाद में खून मिक्स किया जाए तो क्या सलाद करारा हो जाता है? क्या? हाँ ये क्या किया तू, हाथ काट दिया? तू जा दवा की शीशी पकड़ के ला, वड़े यूसफा। कमाल गधे का गुस्सा, कमाल। इसको पहले कभी नहीं देखा।